नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरु जी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं इंजीनियर हैरी, जहां पर अपन करते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बिग डेटा। ये बिग डेटा होता क्या है? आजकल आपने सुना ही होगा कि बिग डेटा हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, इनका बहुत ट्रेंडिंग में नाम चल रहा है कंप्यूटर साइंस फील्ड में। इसमें बहुत अच्छी जॉब्स हैं, इसमें बहुत अच्छा अपना फ्यूचर है। अपना फ्यूचर के अलावा कंपनियों का भी फ्यूचर इसी में है, पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर इसमें है, पूरे इंटरनेट का फ्यूचर इसमें है। तो बिग डेटा को आज अच्छे से समझाएंगे। शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखोगे तो पूरा बिग डेटा समझ जाओगे। इसलिए पूरा ज्ञान लीजिए, आधा मत देखना या फिर बिल्कुल ही मत देखो। जिसको देखना है तो वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, जिससे पूरा समझ में आए आपके में। साथ ही साथ मैं वीडियो में यही बताऊंगा, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पुटअप होंगे एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि बिग डेटा के बाद मैंने लिखा है हडूप, स्पार्क, एपी, अपैच, ठीक है, अपाची भी बोल देते हैं उसको। तो देखो, ये बिग डेटा है क्या? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डेटा क्या होता है। जैसे मैंने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया, नया अकाउंट बनाया आपने या मैंने फेसबुक पर, तो अपन को क्या करना पड़ता है? अपन को अपना डेटा देना पड़ता है, अपना नाम हुआ, अपना डेट ऑफ बर्थ हुआ, अपना जेंडर हुआ, तो ये सब अपन एंटर करते हैं। उसके बाद फेसबुक उस डेटा को लेता है और अपने डेटाबेस में डाल देता है, तब अपन अपना अकाउंट बना पाते हैं फेसबुक पर। तो डेटा आप समझ गए वो क्या है, ठीक है, आपने डेटा जनरेट किया और फेसबुक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्शन विद कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। यानी डेटा बहुत बड़ा, ह्यूज डेटा, डेटा का एक पूरा ये समझ लीजिए बहुत बड़ा डेटा का कलेक्शन क्या कहलाता है, बिग डेटा। और उसमें तीन तरह की वी होती हैं, जिसको क्या क्या कहते हैं अपन, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। वॉल्यूम मींस कि डेटा कितना बड़ा जनरेट हो रहा है, वेलोसिटी मींस कितनी स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है, और वैरायटी मींस किस टाइप का डेटा है, वो फॉर्मेट क्या है उसकी, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, क्या है वो डेटा, ठीक है। इन सबका जो कलेक्शन होता है बहुत बड़े अमाउंट पे, उस डेटा को क्या बोलते हैं, बिग डेटा। आगे इस वीडियो को देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, फिर चलते हैं सोर्स ऑफ डेटा। ये डेटा आता कहां से है भाई, इतना डेटा जनरेट होता कहां से है? अब डेटा चाहे वो किसी बड़ी कंपनी के पास जनरेट हो रहा है या इंटरनेट के ऊपर जनरेट हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? तो उसके बेसिकली तीन स्टेप हैं जहां से डेटा जनरेट होता है, ठीक है। तो थ्री फेजेस हैं। पहला फेज है एम्प्लॉइज एंटरिंग डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम। जितनी भी कंपनी है पूरी दुनिया में, उनके एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठ के वो डेटा को जनरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं डेटा पर, और डेटा को एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, अपने अपने सिस्टम्स के अंदर। वहां से वो कहां जा रहा है, उनके डेटाबेस में, सर्वर पे, सर्वर से इंटरनेट पे। तो एक तो जनरेट कहां से हो रहा है, कंपनी के एम्प्लॉयियों के द्वारा, ठीक है। दूसरा, डेटा कहां से जनरेट हो रहा है, यूजर्स आर जनरेटिंग देयर ओन डेटा। यानी हम जैसे यूजर्स, आप जैसे यूजर्स भी दिन और रात पता नहीं कितने अमाउंट का ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा जनरेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, फेसबुक से, ट्विटर से और यूट्यूब से साइन अप कर रहे हैं, साइन अप बनाने के बाद अकाउंट बन गया, अकाउंट के बाद पोस्ट डाल रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट डाल रहे हैं। तो ये सब जो चीजें अपन डाल रहे हैं वो सब क्या है, डेटा। वो डेटा कितना, अगर मैं ही दिन में 4-5 पोस्ट डालता हूं तो मेरा डेटा कहां चला गया, इंटरनेट पे, पर्टिकुलर कंपनी पे, यानी गूगल पे चला गया, यूट्यूब पे चला गया, उसके बाद इंटरनेट पे चला गया, फिर आप लोग उसको एक्सेस करते हो, फिर आप लोग कमेंट करते हो मेरी वीडियो पे, तो वो भी डेटा जनरेट हो रहा है। ऐसे ही पूरी दुनिया से करोड़ों टेराबाइट डेटा डेली जनरेट होता है, ठीक है। तो दूसरा सोर्स क्या हो गया डेटा जनरेट होने का, हम जैसे यूजर्स जनरेट करते हैं। तीसरा स्टेप का है, सोर्स क्या है, तीसरा सोर्स क्या है डेटा जनरेट होने का, यूजर्स, तीसरा है मशीन्स आर जनरेटिंग डेटा। मशीन्स जनरेट कर रही है डेटा, कैसे कर रही है मशीन्स? चलो हमने मान लिया कि कंपनी में एम्प्लॉइज करते हैं, हम जैसे लोग करते हैं, लेकिन मशीन कैसे कर रही है? तो देखो, मशीन कर रही है वेदर रिकॉर्डिंग, ऑल ओवर वर्ल्ड में मौसम कैसा चल रहा है उसको रिकॉर्ड करने वाली मशीनें हैं, वो डेटा को रिकॉर्ड कर रही हैं और अपने अपने सर्वर्स पर जाके स्टोर कर रही हैं। तो वहां पर भी डेटा स्टोर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो डेटा की अमाउंट बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही टेम्परेचर रिकॉर्डिंग, हर हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरी दुनिया में
टेम्परेचर की मशीन्स लगी हैं, वो टेम्परेचर को नोट डाउन कर रही हैं, डेटा को नोट डाउन कर रही हैं, सर्वर्स में स्टोर कर रही हैं, और डेटा का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। सैटेलाइट 24x7, ये सारी चीज 24x7 डेटा को स्टोर कर रही हैं। सैटेलाइट है वो हर वक्त की लोकेशन डेटा को जनरेट करके इमेज कैप्चरिंग को स्टोर कर रही हैं, अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद सीसीटीवी हुआ, पूरी दुनिया में सीसीटीवी लगे हैं घर में और पब्लिक प्लेसेस पर, वो सब क्या है, कैप्चरिंग कर रही है, रिकॉर्डिंग कर रही है, उस रिकॉर्डिंग को स्टोर कर रही है, तो वो भी क्या है, डेटा, वो भी स्टोर का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद अपना इलेक्ट्रिकल यूजेस हुआ, आजकल स्मार्ट मीटर चल गए, वो भी जाके स्मार्ट मीटर्स का कनेक्शन होके वो भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। फ्लाइट हुई, फ्लाइट कंट्रोल हुए, पूरी दुनिया का फ्लाइट का ट्रैफिक हुआ, उनका डेटा भी स्टोर हो रहा है। हॉस्पिटल्स में पेशेंट का रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। ट्रैफिक हुआ, 24x7 सारी मशीनें क्या कर रही हैं, डेटा को जनरेट कर रही हैं और उस डेटा को स्टोर कर रही हैं, और वो डेटा कहीं ना कहीं से इंटरनेट पर आ ही जाता है, ठीक है। चाहे वो क्लाउड में चला जाए, क्लाउड में प्राइवेट पब्लिक कंजक्शंस होते हैं, उनके डील्स होती हैं, वहां से डेटा के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे छापती हैं, ठीक है। अब देखो ये थोड़ी सी चीज हमने समझ ली, अब अगला टॉपिक है अपना पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी क्या है, देखो इससे पहले बिग डेटा से पहले क्या होता था, ओल्ड टेक्नोलॉजी में हम डेटा को प्रोसेस होने के लिए सीपीयू को भेजते थे, उस डेटा को प्रोसेस कर लेता था। लेकिन अब डेटा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आज दो टीबी है एग्जाम्पल के तौर पर, तो कल 4 TB होगा, अगले दिन 8 TB होगा, ऐसे बढ़ता जा रहा है। भैया इतना डेटा हम क्या कैसे इस डेटा में से कहां तो स्टोर करें, और स्टोर भी करने का कुछ तरीका निकाल ले तो उसमें वेस्टेज भी तो बहुत ज्यादा स्टोर हो रहा होगा, फालतू का डेटा भी तो स्टोर हो रहा होगा, तो हम कैसे पहचाने कि इसमें से काम का डेटा कौन सा, बिना काम का डेटा कौन सा, जो काम का है सिर्फ उसको ही प्रोसेस करने के बाद स्टोर करें, जो बिना काम का है उसको स्टोर नहीं करें, ठीक है। तो पुरानी टेक्नोलॉजी में तो हम डेटा को प्रोसेस के पास, सीपीयू के पास प्रोसेसिंग होने के लिए भेजते थे, ठीक है। बट नाउअडेज देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, सो सीपीयू आर अनएबल टू प्रोसेस ऑल डेटा। आजकल इतना ज्यादा डेटा हो गया कि सीपीयू उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, अनएबल, सीपीयू लाचार है, वो इतने डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। दे आर ब्रिंगिंग मल्टी प्रोसेसर्स एंड ब्रिंग इट टू डेटा, इसलिए उन्होंने क्या किया, सिंगल सीपीयू तो सक्षम नहीं है उस डेटा को, इसलिए उन्होंने पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी अपनाई, और पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को डेटा के पास ले जाते हैं, ना कि डेटा को पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के पास। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, नया टर्म आ गया, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, तो दोस्तों पैरेलल प्रोसेसिंग देखो, एक सर्वर रैक होगी, पूरी एक लाइन होगी, पूरी रॉ होगी, उसमें सर्वर की रैक्स लगी होंगी, बहुत सारे सर्वर्स फिट होंगे, तो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाले, मशीन लर्निंग वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे अपैच का हडूप हुआ, स्पार्क हुआ, जो मैंने बताए, ऐसे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, सारे डेटा को लेंगे, उसमें से छांटेंगे कौन सा काम का है, कौन सा बिना काम का है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, और फिर पर्टिकुलर मल्टीप्रोसेसर को उस टास्क को सौंप देंगे कि इस डेटा को प्रोसेस आप करिए, ठीक है। तो ये क्या मशीन लर्निंग हो गई, यानी मशीन स्वयं सक्षम है, प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, मशीनों को सिखाने की जरूरत है कि अपने आप कैसे करना है आपको, उसको AI बोलते हैं, मशीन लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। देयर आर रॉ फुल ऑफ सर्वर्स, मल्टीप्रोसेसर, एक रॉ होती है पूरी, ठीक है, और उस रॉ में बहुत सारे मल्टीप्रोसेसर्स लगे होते हैं, और डेटा जो टेबल ऑफ कंटेंट, जो बहुत सारे डेटा में से हडूप और स्पार्क जैसे सॉफ्टवेयर्स ने डेटा को छांट लिया है, उन डेटा स्लॉट्स को, इसको ये दे दिया, इस प्रोसेसर को ये वाला स्लॉट दे दिया, इस प्रोसेसर को प्रोसेस करने ये वाला डेटा स्लॉट दे दिया, इस वाले प्रोसेसर को ये वाला डेटा स्लॉट दे दिया, इस तरीके से डेटा को वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, एवरी सर्वर कंटेन्स डेटा सेट ब्रांच, हर सर्वर एक डेटा सेट का ब्रांच रखता है, एक बल्क रखता है, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करने के लिए, प्रोवाइडेड बाई टेक, हडूप और स्पार्क, जो उसको कौन देता है मल्टी प्रोसेसर को, पैरेलल प्रोसेसिंग में हडूप और स्पार्क जैसे सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। एवरी डेटा सेट इंडिविजुअली प्रोसेस्ड बाई प्रोसेसर कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी ये क्या कह रहा है, एवरी डेटा सेट, हर डेटा सेट इंडिविजुअली अलग अलग से प्रोसेस किया जाता है प्रोसेसर्स के द्वारा, जिसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये डेटा इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद बहुत सारे प्रोसेसर लगे हैं पैरेलल तरीके से, उन्होंने उसको प्रोसेस किया, उसको सेट किया कि कौन कौन सा डेटा काम का है, कौन कौन सा डेटा काम का नहीं है, और उसके बाद उन्होंने उसको स्टोर कर लिया,
अब देखो इसमें थ्री वेराइटीज ऑफ बिग डेटा आती हैं, तीन वेराइटी होती है बिग डेटा की। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें से प्रश्न कैसे कैसे आएंगे एग्जाम में, कैसे बन सकते हैं क्वेश्चंस, उन पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन थ्री वी पढ़ लेते हैं डेटा की। वी मतलब ये वाला वी, पहला वी है वॉल्यूम। तो सबसे पहले बिग डेटा पर काम करने से पहले ये थ्री वी हर कंपनी के लिए बहुत जरूरी है जो बिग डेटा पर काम करती हैं। वो कैसे हैं? सबसे पहले उनको डेटा का वॉल्यूम पता होना चाहिए। हाउ मच डेटा इज जनरेटिंग, कितना डेटा डेली जनरेट हो रहा है, ठीक है। दूसरा भी है वेलोसिटी, यानी किस रेट से जनरेट हो रहा है, कितनी स्पीड से वो डेटा जनरेट हो रहा है, वो भी पता होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? दूसरा भी, जिसको वेलोसिटी कहते हैं। और तीसरा भी होता है वेराइटी। वेराइटी मीन्स किस तरीके का, किस फॉर्मेट का डेटा जनरेट होता है, ऑडियो हो रहा है, वीडियो हो रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो रहा है, ठीक है। तो ये थ्री वीज होती हैं बिग डेटा में, इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बिग डेटा टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, और नीचे दे दे आपको हडूप, स्पार्क पहले ऑप्शन में, दूसरे में कोई और, तीसरे में कोई और, चौथे में कोई और। तो आपको पहचानना है कि हडूप और स्पार्क बिग डेटा से रिलेटेड हैं, क्योंकि बिग डेटा टेक्नोलॉजी में ही हडूप और स्पार्क का यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, हडूप और स्पार्क किससे रिलेटेड है, और नीचे पूछ ले आपको क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, बिग डेटा हुआ, ऐसे। तीसरा पूछ लेते हैं हडूप और स्पार्क किसके कंपोनेंट है, नीचे दे दे अपैच का, ठीक है, और AWS, अमेजन का, माइक्रोसॉफ्ट का। तो वो अपैच का ही वर्जन है, हडूप और स्पार्क अपैच की ही टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगला ये पूछ लेता है कि बिग डेटा की थ्री वी कौन कौन सी हैं। तो उसमें ऑप्शन में पहले में दे दिया वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, दूसरे ऑप्शन में दे दिया वॉल्यूम, वेलोसिटी, और तीसरे में वैरायटी की जगह पर कोई दूसरा रख दिया। ऐसे ही वो कंफ्यूज करके आपसे पूछेगा थ्री वी कौन सी होती है, ठीक है। और क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है, बिग डेटा में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, प्रोसेसर से पूछेगा वो, तो उसमें आपको पैरेलल प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि बिग डेटा में डेटा जन सोर्स क्या है डेटा का। तो दोस्तों बिग डेटा में सोर्स क्या है, एम्प्लॉइज के द्वारा, यूजर्स के द्वारा, और मशीनों के द्वारा, और चौथा ऑप्शन दे देगा ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा, ये सभी, ठीक है। इससे आगे एक चैप्टर और है, उसको और पढ़ लीजिए, फिर अपनी समझ में आ जाएगा पूरा बिग डेटा का कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको साफ कर देता हूं मैं और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे ये हडूप क्या है, स्पार्क क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये अपैच की टेक्नोलॉजी है, इनको और विस्तार से जानने के लिए देखिए हडूप क्या है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का नाम आप सबने सुना होगा, वो ओपन सोर्स है, यानी फ्री टू यूज है, पैसे नहीं देने उसको यूज करने के लिए, डाउनलोड करिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाइए, ठीक है। ऐसे ही ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जीपीएल, यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस। जीपीएल की फुल फॉर्म याद रखना, जनरल पब्लिक लाइसेंस, फ्री टू यूज। तो भैया हम बिग डेटा की कंपनी है मान लीजिए बहुत बड़ी, और हमें फोकट में सॉफ्टवेयर मिल गया ये हडूप, तो हम बड़े खुश हुए। लेकिन सॉफ्टवेयर तो फ्री मिल गया, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, इसका यूज करने के लिए अपन को बहुत अच्छे स्तर के एक्सपर्ट्स चाहिए, जो इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सके, हमारे डेटा को इससे यूज कर सके और कस्टमाइज कर सके। तो इसलिए मैं लिखा है बट वी नीड एक्सपर्ट्स टू नो हाउ टू यूज एंड कस्टमाइज इट, ठीक है। अगला है इट अलाउज पैरेलल प्रोसेसिंग एज वेल, और इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम पैरेलल प्रोसेसिंग एंड बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को पैरेलल प्रोसेसिंग के जरिए प्रोसेस्ड करवाकर उसमें से अच्छे अच्छे डेटा को यूज कर सकते हैं। अब मैं तब से कहता आ रहा हूँ कि यूज करेंगे, तो उसको कैसे यूज करेंगे, ये करती क्या है कंपनी इस डेटा का भैया, तो वो मैं बताने वाला हूँ आपको। अगला है मैप रिड्यूस। तो एक टेक्नोलॉजी तो होगी हडूप, हडूप के साथ साथ स्पार्क, SPARK, बोथ आर सेम टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला टेक्नोलॉजी है मैप रिड्यूस। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो डेटा बल्क में इतना बहुत बड़ी अमाउंट का डेटा, अभी बताने वाला हूं कितनी अमाउंट का डेटा है, उसको इकट्ठा कर लिया, उस डेटा को इकट्ठा करने के बाद उस डेटा को ये क्या करती है, एनालाइज करती है। एनालाइज में वो फिर टेबल ऑफ कंटेंट बनाती है सिमिलियर कीवर्ड्स वाला, यानी एक जैसा डेटा कौन सा है उनके अलग अलग बल्क में, इन्होंने एक ये समझ लीजिए डब्बों में, अलग अलग डब्बों में बंद कर दिया, उन डब्बों को एक एक करके ये पैरेलल प्रोसेसिंग में प्रोसेसर्स के पास भेजेंगे कि भैया इसको प्रोसेस कर, ठीक है। तो मैप रिड्यूस टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाती है, व्हाट डेटा विच प्रोसेसर,
यानी कौन सा डेटा कौन से प्रोसेसर को अपन को प्रोसेस कराने के लिए देना है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं मैप रिड्यूस। सो देयर आर टेक्नोलॉजी फ्रॉम देयर ड्राइविंग डेटा, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये दोनों तीनों ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां से वो डेटा को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, दे आर गेटिंग प्योरिटी ऑफ डेटा। कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल क्या है, गूगल से अच्छा कटिंग एज टेक्नोलॉजी का कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो गूगल में देखो हाउ मेनी सर्च डेटा इज गेट्स डेली फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से डेली कितने गूगल पे सर्च के लिए डेटा डाला जाता है। गूगल पर सर्च के लिए डेटा का मतलब है आप कुछ भी ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इंटरनेट खोलते हो, ब्राउजर खोलते हो, उसमें गूगल को खोलते हो और गूगल में अपनी क्यूरी को डालते हो, ठीक है। जैसे कोरोना अपडेट आपने लिखा, उसमें कोरोना अपडेट, तो ये आपका क्या है डेटा और ये कहां पे गया, गूगल के अंदर। ऐसे ही पूरी दुनिया में एक दिन में कितने कितने सर्च किए जाते होंगे, वो डेटा कहां जाता है, सारा गूगल के पास, ठीक है। हाउ मेनी वेबसाइट इट गेटिंग इंडेक्सिंग डेली, और कितनी सारी लाखों करोड़ों वेबसाइट डेली बनती हैं और वो गूगल में इंडेक्स होती है। इंडेक्स का मतलब है कि गूगल के सर्च इंजन में उनको वेबसाइट को इंडेक्स कराया जाता है, ठीक है, उसके अंदर उनको दिया जाता है, जिससे गूगल में कुछ भी सर्च करो तो वो वेबसाइट उस गूगल सर्च इंजन में अपीयर हो जाए, ठीक है। तीसरा है गूगल प्रोडक्ट्स, गूगल के खुद के प्रोडक्ट हैं एडसेंस, ठीक है, एडवर्ड्स, गूगल टॉक, गूगल एनालिटिक्स, यूट्यूब, ये सब क्या है गूगल के प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्टों पर डेली कितना डेटा आता है, यूट्यूब पर देख लो डेली लाखों करोड़ों वीडियोस अपलोड होती हैं, फिर गूगल उन वीडियोस को कहां भेजता है, पहला प्रोसेसिंग में, फिर वहां पर उसकी एल्गोरिथम होती है, वो डिसाइड करती है कि कौन सा डेटा अच्छा है, ठीक है, उस डेटा से वो पैसे कमाते हैं, कैसे कमाते हैं वो बताऊंगा। वॉट दे आर डूइंग विद बिग डेटा, वो बिग डेटा से करते क्या है, टू मेक मनी मोनेटाइजिंग डेटा एड्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यूट्यूब का एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये आपको, यूट्यूब पर करोड़ों वीडियो डाली मैंने, ठीक है, और फिर उसके बाद वो सारी वीडियोस का डेटा कहां जाएगा, पैलर प्रोसेसिंग में, पैलर प्रोसेसिंग में, उससे पैलर प्रोसेसिंग से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग, ठीक है, इन सभी चीजों का जब प्रोसेस होकर वो डेटा निकलेगा तो एल्गोरिथम बताएगी कि कौन सी वीडियोस अच्छी अच्छी हैं, ठीक है, कौन सी वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, कौन सी वीडियोस में कंटेंट बहुत अच्छा है, तो उन वीडियोस पर YouTube कंपनी क्या करेगी, हायर यानी हाई अमाउंट के एड लगाएगी, वीडियो को देखने से पहले एड चलते हैं ना, वो एड लगाएगी, उन एड से क्या होता है, उन एड से 60% YouTube रखता है, 40% जिसने वो कंटेंट बनाया उसको देता है, तो कंपनी ने पैसा कमाया ना उससे वीडियो से, ऐसे ही वो इन खरबों वीडियो से कितना पैसा कमाती है कंपनी, तो उन कंपनियों को अगर वो हर कंटेंट के आगे एड लगाने लगी, घटिया कंटेंट के आगे भी, जो रोड पे कोई जा रहा है उसकी वैसे क्लिप डाल दी, तो फिर तो वो भी आ जाएगा, इसलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स के जरिए बेस्ट डेटा को अपने पास रखती है, प्रोसेस कराकर और उनसे पैसे कमाती है मोनेटाइजिंग करके और एड्स लगा के, ठीक है। ये मैंने खाली गूगल का एग्जांपल बताया, सारी कंपनियां ऐसे कर रही हैं। अगला है डेवलपिंग एल्गोरिथम्स टू प्रोवाइड प्रॉफिटेबल सर्चेस सो दे कैन सेल, और इनकी इस तरीके की एल्गोरिथम इन्होंने डेवलप कर रखी है, जैसे यूट्यूब की खुद की एल्गोरिथम है, जैसे आप सर्च डालते हो तो कौन सी वीडियो उनको ऊपर दिखानी है, कौन सी वीडियो सबसे एंड में दिखानी है, तो वो डेटा प्रोसेस कराया उन्होंने कि कौन सा डेटा अच्छा है, तो अच्छा वाला डेटा ऊपर और गंदा वाला डेटा नीचे, ठीक है। डेली डेटा जनरेटिंग रेट, डेली कितना डेटा जनरेट होता हुआ आपको पता है, 80 से 90 लाख टेराबाइट, ठीक है, जैसे मेगाबाइट का भाग क्या होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट का भाग क्या होता है टेराबाइट, तो 80 से 90 लाख टेराबाइट डेली डेटा इंटरनेट के ऊपर जनरेट होता है, चाहे वो गूगल सर्च के जरिए हो, चाहे यूट्यूब के जरिए हो, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे आप मोबाइल पर कुछ कर रहे हो या फिर आप फेसबुक पर डाल रहे हो कुछ भी पोस्ट, या फिर आप ट्विटर पर कुछ भी पोस्ट डाल रहे हो, तो क्या है डेटा डाल रहे हो आप, ठीक है, उस डेटा का कितना कितना डेटा आता है डेली, डेटा रेट क्या 80 से 90 लाख टेराबाइट इतना डेटा आता है, ठीक है। अब देखो भैया इतना डेटा डेली डेली आएगा और ये अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, तो इतनी हार्ड डिस्क कितना इसमें डेटा को स्टोर कहां करेंगे वो, इसलिए वो क्या करते हैं डेटा की माइनिंग करते हैं, विच डेटा इज परफेक्ट, और जो अच्छा डेटा है उसको रखते हैं, बाकी को वो हटा देते हैं अपने बिग डेटा टेक्नोलॉजी से, ठीक है। अगला है एनालाइज टू गेट बेस्ट डेटा फ्रॉम कंपनी, तो कंपनी जो मान लो गूगल कंपनी है, तो वो एनालाइज करती है कौन सा डेटा परफेक्ट है
जो सबसे ऊपर उनको अलग रखना है और वहां से पैसे कमाने हैं, जैसे मैंने अभी गूगल पर वीडियोस का एग्जांपल दिया था। अब देखो इसके लिए मैंने जो आज वीडियो बनाया है उसके लिए आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग फॉलो नहीं किया है तो ब्लॉग पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप थ्योरी पढ़ लेना, वहां पे मैंने थ्योरी डाली है व्हाट इज बिग डेटा, उस थ्योरी को भी पढ़ लेना तो ये और अच्छा हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसको याद कैसे करें, तो भैया आधा तो आपकी समझ में, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था तो इसलिए मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है, 2-3 घंटे तो मैंने यही डिसाइड करने में लगा दिए थे कि कैसे इसको प्रेजेंट करूं कि आप सब लोगों की समझ में आ जाए, ठीक है, फिर भी आपकी समझ में आ गया होगा 50% भी। तो इसको और अच्छे से मेमोराइज करने के लिए आपको क्या करना है, आपके घर में आपकी सिस्टर हुई, आपका ब्रदर हुआ या आपके फ्रेंड्स हुए, फोन पर या आमने सामने बैठ के उनको समझाओ कि बिग डेटा ये होता है, क्योंकि आपने यहां से समझा है। अब उनको जैसे ही समझाओगे ना तो आपके एरिया 47 होता है ब्रेन में, वहां से सिग्नल्स जाएंगे रिवाइज होकर कहां सामने वाले तक, तो एक तो वो भी सीख जाएगा कुछ थोड़ा बहुत, प्लस आपका रिविजन हो जाएगा, आपके दिमाग में ये अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को सब चेक कर लें और ब्लॉग को फॉलो करें, शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पर लिंक को, ठीक है, नीचे शेयर का ऑप्शन आता है वीडियो में, वहां से शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी टॉपिक के साथ फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।